morning everyone, how are you all? Fine, very good. So you all are prepared to begin with our today's classes? Great. Now before resuming our today's classes, before resuming this week's classes, aap log sab mujhe ek baat batao, kaun sa festival aane wala hai? It's Diwali. Yes, Diwali is about to come. But aapko pata hai Diwali ke saath saath aur kaun kaun se festivals aate hain? जो दिवाली होती है ना वो 5 days का फेस्टिवल होता है. यस, फर्स्ट वी हैव धनतेरस, फिर आती है छोटी दिवाली, फिर आती है बड़ी दिवाली. उसके बाद दिवाली के अगले दिन हम क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा करते हैं और उसके नेक्स्ट डे भैया दूज होती है ना. हो गए ना पूरे 5 days. सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड विद सो मच ऑफ हैप्पीनेस. सब लोग इतने खुश होते हैं कि 5 days का कंटिन्यूअस 5 days फेस्टिवल्स होते हैं. और ये पूरे ईयर में ऐसा सिर्फ तभी होता है जब 5 days तक डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं. इजंट इट वाओ, मजा आने वाला है ना. बट दिवाली के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, हमें सेलिब्रेट करना है, मम्मा पापा की बात माननी है, बट प्लीज मैम की भी एक बात माननी है. और वो क्या है? डोंट बर्न क्रैकर्स, डोंट बर्स्ट एनी क्रैकर. क्रैकर्स नहीं चलाने, नहीं बर्स्ट करने. व्हाई? आपको पता है ना जब हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं कितना सारा धुआं निकलता है. और वो जो धुआं होता है, जो डर्टी, जिससे हमें कॉफिंग होती है, वो क्या होता है? बहुत डर्टी होता है. और वो पता है हमें बीमार कर देता है. ऑलरेडी आपको पता है कोविड चल रहा है ना, जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे. फिर अगर उसमें और पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा तो सब लोग और ज्यादा बीमार हो जाएंगे. फिर और बहुत सारे दिन तक आप स्कूल आके मस्ती नहीं कर पाओगे. स्कूल आके मस्ती तो कर ली है ना. सो डोंट बर्न क्रैकर्स. ओके, प्रॉमिस? ग्रेट. नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लासेस. सो टुडे इज 9th नवंबर 2020 एंड द डे इज मंडे. अब आज हम क्या करने वाले हैं? दिस इज योर मैथ्स क्लास. सो टुडे मैम इज गोइंग टू टीच यू टू कंपेयर. कंपेयर मतलब दो चीजों को आपस में कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, कि वो कहाँ है, इनसाइड या आउटसाइड. सबसे पहले ना, व्हेन यू आर सिटिंग, घर के अंदर बैठे हैं ना, यानी कि अंदर, बाहर तो नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड इनसाइड. जब आप स्कूल आते हो तो क्लास के अंदर पढ़ाई करते हैं, इससे इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर बैठते हैं. बट व्हेन वी वांट टू प्ले, जब हमें प्ले करना है, हमारा गेम्स पीरियड है, हमें स्विंग्स पे एंजॉय करना है, व्हाट वी डू, वी गो आउट, हम बाहर जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, है ना. सो व्हाट इज द डिफरेंस? इनसाइड मतलब जब हम किसी जगह के अंदर होते हैं, लाइक योर क्लासरूम, योर हाउस. और घर में भी यू आर सिटिंग इन सम रूम, इट कैन बी योर ड्रॉइंग रूम, इट कैन बी योर बेडरूम, इट कैन बी योर स्टडी रूम, कहीं पे भी बैठे हैं. सो यू आर सिटिंग एट सम स्पेसिफिक प्लेस. और जब हम घर के बाहर जाते हैं, व्हेन यू गो आउट टू प्ले इन पार्क, दैट इज आउटसाइड. घर के बाहर है ना पार्क, तो जो चीज बाहर होती है फॉर दैट वी कॉल आउटसाइड. बट जो घर के अंदर है वी कॉल इट इनसाइड. Now, a very simple example. If you want to purchase a pair of shoes, आपको shoes लेने हैं, new shoes purchase करने हैं, तो आप market जाते हो, ठीक है? Uncle आपको shoes दिखाते हैं, आप choice करते हो, आपको पसंद आते हैं, then you purchase it. अब वो shoes किस में आते हैं? Uncle एक box में देते हैं. So that is inside. Box के अंदर रख के देते हैं आपको. That is inside. Whenever you are coming to school, you bring your lunch. तो जो उसमें चपाती है, सब्जी है, वो कहाँ है? Inside that lunch box. Lunch box के अंदर. Lunch box के बाहर तो नहीं होती, अंदर होती है ना. Similarly, your water. Where it is? Inside your bottle. पानी bottle के अंदर होता है. Understood? Now I have few examples. Can you see what is it? It's a vase. फ्लावर वास बताया था मैम ने आपको, जिसमें हम डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स रखते हैं. नाउ दीज फ्लावर्स आर इनसाइड, फ्लावर वास के अंदर है, इजंट इट? बट दीज आर आउटसाइड. ये कहाँ है? बाहर. जो फ्लावर वास के अंदर नहीं है उनके लिए हम क्या बोलेंगे?
बट जो मैं आपने वास के अंदर रख दिए उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इनसाइड। समझ में आया? ओके, वन मोर एग्जांपल। यू ऑल लव टू प्ले होली, सबको मजा आता है, ठीक है। अब होली में क्या है? दिस इज अ बकेट विच इज हैविंग वॉटर इन इट। तो आपकी जो पिचकारी है, वेयर इट इज? इनसाइड द बकेट। एंड योर बलून्स? आउटसाइड द बकेट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कमिंग टू स्कूल, यू ब्रिंग योर स्टेशनरी। एक और बताते हैं मैम आपको एग्जाम्पल। यू ब्रिंग योर स्टेशनरी, सो यू ब्रिंग दैट इन अ पाउच लाइक दिस। पाउच में है, सो अब जो सामान है वो इसके अंदर है, इनसाइड। लाइक आई हैव अ स्केल, इरेजर, देन आई हैव डिफरेंट पेन्स फॉर मी, आई हैव अ पेंसिल। सो ऑल दिस इज इनसाइड। अभी कहां है ये सब? इनसाइड रख दिया। जब हम इन्हें यूज करते हैं तो व्हाट वी डू? वी टेक इट आउट। हम उसमें से बाहर निकालते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं वी कॉल इट कीपिंग इट आउटसाइड। अब मैम आपको बोलती है ना, टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। आउट मतलब बैग में से बाहर निकाल। वर्क खत्म होने के बाद कीप योर बुक्स एंड नोटबुक्स इनसाइड, यानी कि बैग के अंदर डाल दो। सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड? नाउ What is this? You all know? Yes, these are your poster colors. So we have 6 colors inside it. Ab ma'am ne agar isme se red nikala and I have kept it here. So what is this? Red is outside the box. Now red is inside the box. Ab andar rakh diya na, to it is inside. But jab hum bahar nikal lete hain, so what we call it? Outside. Clear? जैसे pencil box का बताया मैम ने, if you need your eraser, और वो pencil box में, so your eraser is inside. जब आप उसे use के लिए बाहर निकालोगे, so what we will call? Outside. समझ में आया? So here what I want to tell you is, inside का meaning होता है किसी चीज के अंदर होना, और outside का मतलब होता है उसके बाहर हो। Whenever you go for washroom, you go outside the class because the washrooms are outside the class. But if you want to drink water, it is kept in your class only. Class के अंदर ही है, for that you don't need to go outside. So inside is अंदर and outside is जब हम बाहर जाते हैं। We go out for walk. Walk करने घर के बाहर जाते हैं। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जो गेम्स हम अंदर खेलते हैं वी कॉल इट इंडोर। सो इन का मतलब होता है अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इन? इन मतलब अंदर, अंदर की साइड। आउट का मतलब बाहर की साइड, तो आउटसाइड। अंडरस्टूड? ग्रेट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बुक वर्क। जब आप बुक का वर्क करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। सो लेट अस डू आवर वर्क ऑन पेज नंबर 94 एंड 95। सो ओपन योर मैथ्स बुक on page number 94 and 95. So first open your book and then let's see how we are going to do work in our book. Okay bacha? So class, now open your maths book. And you have to open this book on page number 94, as I told you. So when you will open page number 94, you will find the topic inside and outside. Clear? Now the first thing that you have to do is write today's date. So what is the date today, class? Today is 9 November 2020. Understood? This is your today's date. Now, the topic, and yes, you have to write classwork also, so write CW. Now, the topic says, take the picture which shows inside position. यानी कि आपको उन pictures को tick करना है, जिसमें आपको ये पता लगे that the things are kept inside. Clear? So, the first one given to us is, the picture of a boy
inside the home. Can you see the picture of a boy? The boy is inside. Ghar ke andar hai na? Now, if we observe this picture and we compare where the boy is. Ab ye boy kahan pe hai? This boy is outside. Yes. Ab ye yahan pe to ghar ke bahar hai. So he is standing outside. Ghar ke bahar aa gaya. But here, ye dekho wo andar se aise bahar peep kar raha hai, jhaank raha hai. So that means in this picture the boy is standing inside. Yes. So what you are going to do, which picture you are going to take? Picture A or picture B? Yes, we are going to take picture A. So अब क्या करना है, हमें picture A को ऐसे tick करना है. Is that clear to all of you? Okay. Moving to the next set. We have a box and a pair of shoes. I told you when we go out to purchase these shoes, हम market से लेने जाते हैं तो वो uncle हमें pack करके देते हैं. वो कैसे pack करते हैं? He pack it in a box and give us. Now you have to tell in which picture, picture A or in picture B, which picture the shoes are kept inside the box. Picture A में shoes box के inside है या picture B में? So again we are going to revise, what is the meaning of inside? अंदर होना, yes. So can you tell me picture A or picture B, which is the correct answer? The correct answer is picture A. नहीं, very good. Picture A तो correct answer नहीं है. So the correct answer is picture B. See, अब picture A में क्या हुआ? ये box के बाहर है shoes और यहाँ पे अंदर रखे हैं, है ना? अंदर दिखाई दे रहे हैं ना? Box का cover खोल के उसमें रख दिए. So this is called inside. So what we will do? We are going to put a tick here. Got it? Okay, now moving to the next. Wow, what is this? It's a kennel. आपने देखा dog house को क्या कहते हैं? Kennel. बताया था ना मैम ने आपको? So house of a dog is called kennel. Now we have two kennel. Kennel A and kennel B. And we have dog also. So in one picture, dog is sitting inside the kennel. And in the next picture, dog is sitting outside the kennel. So which picture is correct? टिक किस पे लगाना है, पिक्चर ए और पिक्चर बी? वी आर गोइंग टू पुट अ टिक मार्क ऑन पिक्चर बी. वी आर गोइंग टू पुट अ टिक मार्क ऑन पिक्चर बी. पिक्चर ए, आप बताओ विच इज इनसाइड? इनसाइड इज दिस डॉग. सो द करेक्ट वन इज पिक्चर ए. ओके, नाउ एज वी हैव डन दिस, now moving to the next page, that is page number 95. What do you have to do? Again, first write down date. So the date is 9th November 2020, and we are going to write HW. So this is your today's homework. Is that clear? This is your today's homework. Now what you have to do, color the things that are outside the house. See, हमने यहाँ पे क्या किया था? Here we have put a tick mark on those pictures which were inside. तो inside का मतलब क्या हुआ? जो अंदर थे. Okay, now अब दूसरे पेज पे जो homework है वो क्या है? You have to color the things that are outside the house. So now see this picture carefully. Can you see? There is a beautiful house given here. And what is happening? आप विंडो से देखोगे तो यू आर एबल टू सी दैट दीज टू बॉयज दे आर प्लेइंग. आर दे प्लेइंग इनसाइड और आउटसाइड? वेयर दे आर प्लेइंग? दे आर प्लेइंग इनसाइड द होम. घर के अंदर है ना, बिकॉज वी कैन सी देम थ्रू विंडो. विंडो से देख पा रहे हैं हम, तभी हमें दिख रहे हैं. नाउ इफ वी लुक हियर, वी कैन फाइंड अ फ्लावर पॉट, a butterfly, a dog who's sleeping, and a ball. What is the position of these things? Are these things inside the house or outside the house? All these things are kept inside the house. Yes, ye sab cheeze kahan rakhi hain?
हाउस के अंदर हैं, नहीं है, हाउस के बाहर हैं। अंदर कौन है फिर? बॉयज आर इनसाइड द हाउस एंड ऑल दीज थिंग्स आर आउटसाइड द हाउस। यस, सो व्हाट डू यू हैव टू कलर? नाउ टेल मी विच ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कलर। सी द क्वेश्चन इज सेइंग कलर द थिंग्स दैट आर आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या क्या है? वी हैव अ बटरफ्लाई, वी हैव फ्लावर्स, देन वी हैव अ डॉग, देन वी हैव अ बॉल। तो अब आपको क्या करना है? यू आर गोइंग टू कलर द पिक्चर्स। विच पिक्चर्स? ऑल दीज पिक्चर्स वी आर गोइंग टू कलर देम। एंड हाउ वी आर गोइंग टू कलर दीज पिक्चर्स? वी आर गोइंग टू कलर ऑल दीज पिक्चर्स यूजिंग अ पेंसिल कलर्स। यस, सो दीज आर द पेंसिल कलर्स दैट यू आर गोइंग टू यूज। एंड वेन यू विल यूज देम, हाउ यू आर गोइंग टू कलर इट? कैन एनी वन टेल मी? विथ डिफरेंट कलर्स, एक ही कलर से नहीं करना है। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टू कलर दिस बॉल, सो टेक डिफरेंट कलर्स टू कलर दिस बॉल लाइक दिस। सो वन वी हैव टेकन ब्लू, देन फॉर द नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू टेक रेड। सो वेन यू यूज मल्टीपल कलर्स इट लुक सो ब्यूटिफुल। सो वेन एवर यू आर डूइंग योर कलरिंग वर्क लाइक दिस ना, यूज डिफरेंट कलर्स एंड मेक इट ब्यूटिफुल। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू कलर योर बॉल। यूज एनी कलर ऑफ योर चॉइस बट ऑलवेज टेक पेंसिल कलर्स वेन यू आर डूइंग वर्क इन योर बुक। सो लाइक दिस यू विल कलर योर बॉल। एंड लास्ट आई विल टेक इज पिंक। ओके, आई विल टेक पिंक कलर। And like this, we will color our ball. So like this only, as I have done it for ball, you are going to color all other things that are outside your house. Is that clear to all? So class, I hope you have understood it now properly and clearly, the meaning of inside and outside. So what is the meaning of inside? Inside means किसी जगह के या किसी चीज के अंदर होना. And what is the meaning of outside? जब हम उस जगह के बाहर होते हैं. Like this board is inside your class. Board class के अंदर होता है, but the swings जो झूले होते हैं, those are outside the class. Swings तो बाहर ही होते हैं ना, कभी देखा है आपने क्लास में swings रखे? No. So swings are outside the class. Your board, your smart board, they all are inside the class. Understood? Okay. Now finish your work, share your work with me, and get ready for today's EBS class. Okay? Bye.